अब से बस 2 हफ्तों के बाद WWE का नेक्स्ट बड़ा पेपर व्यू एलिमिनेशन चेंबर 2023 होने वाला है। और इस पेपर व्यू में ऐसा लग रहा था कि शायद ट्राइबल चीफ रोमन रेंस का मैच नहीं हो, लेकिन इस हफ्ते फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन में रोमन रेंस और सैमी ज़ेन का मैच WWE ने कंफर्म कर दिया है। और इसके अलावा एलिमिनेशन चेंबर में और कौन कौन से मैचेस हो रहे हैं और उन मैचेस में किसकी जीतने के ज्यादा चांसेस हैं, इस बारे में आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे। और 16 टाइम वर्ल्ड चैंपियन जॉन सीना का मैच रेसलमेनिया 39 में हो सकता है उस WWE सुपरस्टार के साथ जो कि बहुत टाइम से सीना से फाइट करना चाह रहे हैं। तो इन सब की पूरी जानकारी के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहिएगा। तो एलिमिनेशन चेंबर 2023 में इस साल वुमेन्स एलिमिनेशन चेंबर ये डिसाइड करने के लिए हो रहा है कि रॉ वुमेन्स चैंपियन बियांका ब्लेयर को रेसलमेनिया 39 में कौन चैलेंज करेंगी। और अभी तक जो 5 सुपरस्टार्स इस मैच के लिए कंफर्म हो गई हैं वो है आस्का, राकेल रोड्रिगस, लिव मॉर्गन, नेटालिया और निकी क्रॉस। और आने वाले मंडे नाइट रॉ में फैटल 4-वे मैच होगा जिसमें कम्पीट करेंगी मिचिन, कैंडिस लरे, कार्मेला और पाइपर निविन। और इनमें से जो भी जीती वो इस साल वुमेन्स एलिमिनेशन चेंबर मैच में फाइनल सुपरस्टार बनेंगी। और मुझे लगता है कि इस साल एलिमिनेशन चेंबर या तो लिव मॉर्गन जीतेंगी या फिर आस्का भी जीत सकती हैं, क्योंकि आस्का जब से उनके पुराने प्रमोशन वाले लुक में रिटर्न आई हैं, आस्का को ऐसा लग रहा है कि WWE पुश देना चाह रहे हैं। इसलिए इस साल वुमेन्स एलिमिनेशन चेंबर जीतकर आस्का चैलेंज कर सकती है बियांका ब्लेयर को रेसलमेनिया 39 में रॉ वुमेन्स टाइटल के लिए। तो एलिमिनेशन चेंबर 2023 में मेंस एलिमिनेशन चेंबर मैच यूनाइटेड स्टेट्स टाइटल के लिए हो रहा है। तो इस मैच में ऑस्टिन थ्योरी उनका यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप डिफेंड करेंगे सेथ फ्रिकिंग रॉलिंस से, ब्रॉन्सन रीड से, जॉनी गार्गानो से। और इस मैच में 2 सुपरस्टार्स और ऐड होंगे जिनके लिए क्वालिफाइंग मैचेस हो रहे हैं मंडे नाइट रॉ में। तो उसमें से पहला मैच है मॉन्टेस फोर्ड वर्सेस एलायस और दूसरा मैच है एंजेलो डॉकिंस वर्सेस डेमियन प्रीस्ट। तो मुझे ऐसा लगता है कि एलिमिनेशन चेंबर 2023 में ऑस्टिन थ्योरी उनकी यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप हार सकते हैं और इस मैच में या तो सेथ रॉलिंग्स या फिर ब्रॉन्सन रीड जीतकर नए यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियन बन सकते हैं। और ऑस्टिन थ्योरी क्यों उनका टाइटल हार सकते हैं इसके बारे में अभी हम लोग थोड़ी देर में बात करेंगे। तो इस हफ्ते फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन में द ट्राइबल चीफ रोमन रेंस ने आकर ये बोला कि वो सैमी ज़ेन को कहां से कहां लेते आए और उन्होंने सैमी ज़ेन की पूरी लाइफ की सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी उन्हें दी थी जब रोमन ने सैमी ज़ेन को ऑनररी यूज बनाया और उन्हें एक भाई की तरह ट्रीट किया, लेकिन इसके बदले में सैमी ज़ेन ने उल्टा रोमन को धोखा देकर उन पर चेयर से अटैक कर दिया। और रोमन बात ही कर रहे थे तब सैमी ज़ेन ने आकर अटैक कर दिया रोमन पर। और सैमी ने ऐसा बोल दिया कि वो पहले रोमन से कुछ छीनना नहीं चाहते थे, लेकिन अब सैमी ज़ेन को रोमन की अनडिस्प्यूटेड WWE यूनिवर्सल चैंपियनशिप छीननी है। लेकिन इसके बाद सोलो सिकावा और जिमी ओसो ने भी आकर सैमी पर अटैक कर दिया और रोमन ने सैमी ज़ेन को बोल दिया है कि वो एलिमिनेशन चेंबर 2023 में सैमी ज़ेन के होम टाउन मॉन्ट्रियल में सैमी ज़ेन को हराकर उन्हें सबक सिखाएंगे। और ये बात 100% कंफर्म है कि इस मैच में रोमन ही जीतेंगे और वो उनकी अनडिस्प्यूटेड WWE यूनिवर्सल चैंपियनशिप रिटेन कर सकते हैं। लेकिन इस मैच के बाद रोमन के रेसलमेनिया 39 के अपोनेंट कॉडी रोड्स रोमन के साथ फेस टू फेस आ सकते हैं या फिर कॉडी रोड्स आकर अटैक भी कर सकते हैं रोमन के ऊपर। तो 16 टाइम वर्ल्ड चैंपियन जॉन सीना ने लास्ट ईयर एक ही मैच में फाइट किया और वो भी एक टैग टीम मैच था जिसमें सीना ज्यादा एक्शन में नजर नहीं आए, क्योंकि सीना की जनवरी फरवरी में मूवी की शूटिंग थी तो सीना नहीं चाहते थे कि वो इंजर्ड हो जाएं। लेकिन रिंग साइड न्यूज ने ऐसा बताया है कि रेसलमेनिया 39 में जॉन सीना का मैच ऑस्टिन थ्योरी के साथ हो सकता है और इसीलिए मुझे लग रहा है कि ऑस्टिन थ्योरी एलिमिनेशन चेंबर में उनका टाइटल हार जाएंगे ताकि सीना और थ्योरी का मैच एक नॉन टाइटल मैच हो, क्योंकि अगर सीना किसी मैच में रहते हैं तो उस मैच में फिर टाइटल की जरूरत नहीं है। वैसे सीना और थ्योरी का मैच हुआ तो आप लोग किसे सपोर्ट करोगे कमेंट करके बताएं। और जाने से पहले इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और मैं आपसे जल्दी मिलता हूँ, लेकिन तब तक के लिए बाय बाय।